काशी और पूरे देश भर के डॉक्टर जो यहाँ से पढ़े और यहाँ से बने। कोटा में एलएन इंस्टीट्यूट और अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसने यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया, अच्छे संस्कार प्राप्त किए, जिन्होंने उनकी यहाँ की यादें हमेशा स्मरण रहती है, आज वो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कोटा में एक अच्छा शिक्षा का वातावरण है, अच्छा प्रशिक्षण का वातावरण है, और आज लाखों विद्यार्थी, 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अभी तक कोटा के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोई IIT डॉक्टर बना, कोई डॉक्टर बना, IIT के इंजीनियर बना, कोई कंपनी के CEO बना, कोई IAS ऑफिसर बना, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग संस्थानों के अंदर अलग अलग नेतृत्व कर रहे हैं। और आज भी उनकी कोटा की याददाश्त उनको हमेशा रहती है, और कोटा के अंदर देश के अंदर एक अच्छा वातावरण है। मैं उन विद्यार्थियों से जो चुनौतियों से नहीं लड़ पाता, मैं उनको कहूँगा कि चुनौतियों से लड़े, आपदा से लड़े। हर चुनौती आपदा से लड़ने वाला विद्यार्थी एक दिन जीतेगा ही जीतेगा, सफलता उसको मिलेगी मिलेगी। कभी भी कोई भी आपदा चुनौतियों से घबराए नहीं। कोटा जैसा वातावरण देश में कहीं नहीं है। यहाँ के छात्रावास, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के परिवार के लोग, यहाँ के आम आदमी एक विद्यार्थी को अपने बेटे बेटे की तरह रखते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के वातावरण और अच्छा बने। एक परिवार का वातावरण अभी है यहाँ पर, और परिवार का वातावरण बनाएंगे। अब देश के अलग अलग राज्यों से गांव ढाने आने वाला विद्यार्थी हमारा बेटा बेटी है, उनके साथ हमें एक बेटे बेटी की तरह ही रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि कोटा में केवल शिक्षा प्रशिक्षण नहीं, यहाँ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ का आध्यात्मिक धर्म संस्कृति संस्कार उनको संघर्ष करने की, उनको चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। और आज देख रहे हो आप एलएन इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी एलुमनी डॉक्टर्स आए हैं, वो डॉक्टर कहीं ना कहीं कहीं अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बेहतरीन सेवाएं कर रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कई एक्सपर्टाइज हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग देश के अंदर, कई IAS ऑफिसर हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम उन एलुमनियों से पूछूं जिन्होंने तो उस समय की परिस्थितियों के अंदर भी यहाँ अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण, आज तो परिस्थितियाँ बहुत परिवर्तन हुई है, आज बेहतर विकल्प विद्यार्थियों के सामने हैं। यहाँ परिवार के परिवार लोग रहते हैं, और मुझे तो पता है कि यहाँ पर 10-10 साल से परिवार आके जो यहीं बस गए, तो अच्छा वातावरण जब भी बसे हैं। इसलिए कोटा के अंदर अच्छा वातावरण है, और कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिन अपवादों को लड़ने के लिए चुनौती लड़ने से अच्छे संस्कार देंगे और उनको मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि हर चुनौती आपदा से लड़े, हारे नहीं, एक दिन जीत तुम्हारी होगी सही, असफलता में सफलता निकलती है। सर, लेकिन जो गाइडलाइन है, खासकर जो केंद्र की गाइडलाइन है, उसके बहुत सारे बिंदुओं को लेकर हाल में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गाइडलाइन सामान्य गाइडलाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी परिपक्व होता है, और एक हर खिलाड़ी को अपना प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इससे शिक्षा के साथ उसका प्रशिक्षण भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसको स्वेच्छा से लोग करते हैं, जिसकी इच्छा होती है वो करते हैं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज बेहतरीन हो, ये हमारा प्रयास रहता है, और बेहतरीन करना चाहिए। लेकिन कोचिंग भी एक प्रशिक्षण का काम करती, जो हर कंपटीशन में आज कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो विद्यार्थी अफोर्ड कर सकता है करता है, नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग कोचिंग से क्लियर होते हैं, बिना कोचिंग के भी क्लियर होते हैं। तो हमेशा आदमी को स्वेच्छा है, लेकिन विकल्प उसके पास बहुत सारे हैं। लेकिन जो एज और क्लास के बैरियर है सर, उनमें कुछ अमेंडमेंट की कोई उम्मीद कोटा करे? काफ़ी समय से मांग कोटा से हम बात कर रहे हैं उस बारे में कि ठीक से गाइडलाइन जारी हो, उसके लिए राज्यों और केंद्र से बात करें।